के लिए धन्यवाद। अपने समक्ष मैं अपनी बात पेश करूँगा। तो यू बीन डिस्कसिंग फैसिज्म इन योर लास्ट डे एंड अ हाफ, यू प्रॉब्ली लुक्ड एट द पॉलिटिकल एंड द सोशल एस्पेक्ट्स। तो आप लोगों ने सामाजिक और राजनीतिक कारणों का विश्लेषण किया होगा पिछले दो दिनों में। मैं आर्थिक पक्ष रखूँगा, सो टॉक अबाउट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन, विच डज नॉट मीन दैट द पॉलिटिकल एंड द सोशल आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड दे आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, सो आई विल फोकस ऑन दैट। यू नो, वी थिंक ऑफ फैसिज्म इन जर्मनी, इन इटली, द प्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट्स नॉट नेसेसरी दैट फैसिज्म एवरीवेयर वुड बी द सेम। जो फैसिज्म इंडिया में है वो जर्मनी और इटली से भिन्न हो सकता है, लेकिन हम उसी दिशा में जा रहे हैं। देर आर कॉमनैलिटीज एंड देर डाइवर्जेंसेज, तो कुछ एक सा है, कुछ अलग अलग चीज़ें भी हैं। और मेरा मानना है कि कोई भी इज्म कभी भी फाइनल फॉर्म में नहीं होता, वो डेवलप करता रहता है। तो हमारे यहाँ भी जो फैसिज्म है वो डेवलप कर रहा है, वो एक नए तरह का फैसिज्म हो सकता है, जो इटली और जर्मनी में जैसे हम सोचते थे उस तरह का नहीं है। तो आज हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें मेन चीज़ें क्या हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो जो सरकार है वो प्रो बिग बिजनेस है, वो बड़े बड़े चाइबॉल्स, साउथ कोरिया का मॉडल चाइबॉल्स का मॉडल है, वहाँ पे ह्युंडई, सैमसंग, इस तरह के बड़े बड़े चाइबॉल्स बनाए। तो इंडिया में भी हमारे यहाँ इस तरह के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को प्रमोट किया जा रहा है, वो चाहे अंबानी हो, अडानी हो, टाटाज हो, उनको बहुत आगे प्रमोट किया जा रहा है। अब वो जब प्रमोट कर रहे हैं तो उससे आम जनता को समझ आएगा कि ये हो रहा है, तो उनकी अटेंशन डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है कि उनको ये बात समझ में ना आए कि उनकी जो नीतियाँ हैं दे आर ऑल प्रो बिग बिजनेस। सो यू नीड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द कॉमन मैन, और उसके लिए एक नैरो नेशनलिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो नैरो नेशनलिज्म है उसमें मेजोरिटेरियनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको आगे रखा जा रहा है, और जो माइनॉरिटीज हैं उनको ब्लेम कर दिया जाता है कि जो सारी आज की समस्याएं हैं वो सारी उनकी वजह से हैं। तो ये जो डिवाइड है कि एक मतलब अदर को क्रिएट करके उस अदर के पीछे आप मतलब जो मेजॉरिटी है उसको उसके पीछे लगा दें, तो ये जो एक जो तरीका है उसमें ये भी कहा जाता है कि पहले तो बहुत अच्छा था, जो सब पहले था वही सब अच्छा था, और अभी ये जो माइनॉरिटीज हैं इनकी वजह से प्रॉब्लम है। सो दे से दैट द पास्ट वाज ग्लोरियस, एंड बिकॉज द पास्ट वाज ग्लोरियस वी हैव टू टेक फ्रॉम द पास्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड इन दैट। तो जो नैरो एजेंडा है इसमें यू विल नॉट टॉलरेट डिसेंट, एंड इफ यू आर अ डिसेंटर देन यू आर एंटी नेशनल। सो नेशनलिज्म इज डिसाइड इन टर्म्स ऑफ द मेजॉरिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द रूलिंग पावर। एंड द आइडिया इज कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे देश चलता है उनको कैप्चर करना, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्लियामेंट है वगैरह। यहाँ तक कि ये भी बात कई लोग छेड़ते हैं आरएसएस वाले कि इलेक्शंस की क्या जरूरत है, जो आपको चाहिए वो हम दे देंगे, तो इसलिए कोई इलेक्शंस की भी जरूरत नहीं है, वो इस तरह से भी बात करते हैं। और तीसरी बात जो है वो मैसिव प्रोपेगेंडा, ये हिटलर के समय में भी बहुत ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा करके उन्होंने आम जनता को अपने साथ किया था, आज भी ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा हो रहा है। और वो प्रोपेगेंडा जो है उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। सो सोशल मीडिया हैज कम टू द एड ऑफ द करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन। तो ये जो फीचर्स हैं ये सब हम लोग के सामने हैं, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अंडरलाइंग ऑल दीज फीचर्स। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो भारत में दो तरह के सेक्टर्स हैं, एक तो जिसको मैं संगठित क्षेत्र बोलता हूँ, दूसरा असंगठित क्षेत्र, यानी देयर इज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इसमें 94% वर्कर्स काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में 6% वर्कर्स काम करते हैं। पर जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 55% है और जो बाकी है वो 45% है। और कृषि में जहाँ पे 46% लोग काम करते हैं उनका उत्पादन 14% है, यानी एक तरह से असंगठित क्षेत्र मार्जिनलाइज होता चला जा रहा है। हालांकि लोग वहाँ ज़्यादा काम करते हैं लेकिन उनका अर्थव्यवस्था में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल मार्जिनलाइज है।
और जो असंग्रहित शेयर्स हैं उसको डेटा में हम लोग मेजर नहीं करते। जो हमारा जीडीपी का डेटा आता है, यानी कि हमारी कितनी राष्ट्रीय आय है, वो राष्ट्रीय आय जितनी है उसको हम जो नापते हैं तो संग्रहित शेयर के आधार पर। सो वी आर मेजरिंग आवर जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नॉट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे जीडीपी में कितना है वो एक तरह से नहीं हम उसको आंकते हैं। इसलिए जो हमारा जीडीपी है वो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को, संग्रहित क्षेत्र। एंड देयरफॉर व्हेन वी टेक द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनटू अकाउंट द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट 7%। सरकार कहती है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, चीन से भी ज्यादा तेज बढ़ रही है, लेकिन ये आंकड़े सिर्फ संग्रहित क्षेत्र के आधार पर है। दीज आर बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो मैंने हिंदू में एक आर्टिकल लिखा था पिछले जून में, जून 2022 में, उसमें मैंने दिखाया था कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 7% नहीं है, 1% है। ये बात हमें जनता तक पहुंचानी है कि हमारी अर्थव्यवस्था उस तेजी से नहीं बढ़ रही जैसे कि सरकार कह रही। और क्योंकि 7% तो पिछले साल थी, तब से हमारा रेट ऑफ ग्रोथ गिर गया, यूक्रेन में युद्ध हो गया, बाकी और परेशानियां हुई, तो आज हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो नेगेटिव है। हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम पीछे खिसक रहे हैं। ये बात आम आदमी को पता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इनविजिबलाइज कर दिया, उसको अदृश्य कर दिया। मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी तरफ डेटा में आता ही नहीं है। और क्योंकि सरकार कह रही है कि अर्थव्यवस्था तो 7% पे बढ़ रही है, इफ इट इज ग्रोइंग एट 7% देन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसने डेटा में इनविजिबलाइज कर दिया और पॉलिसी में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इनविजिबलाइज कर दिया। जो तो नीतियां हैं वो नीतियां संग्रहित क्षेत्र के लिए बन रही हैं, असंग्रहित क्षेत्र के लिए नहीं बन रही। तो असंग्रहित क्षेत्र बार बार पिटता चला जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि असंग्रहित क्षेत्र बिल्कुल एक 94% है, वो डोमिनेंट सेक्टर है अर्थव्यवस्था का एम्प्लॉयमेंट के आधार पर। अगर उसको आप इनविजिबलाइज करेंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। और आज जो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे सामने है वो बेरोजगारी की। इसमें आप देखें महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है और जो एजुकेटेड यूथ है उसकी स्थिति बहुत खराब है। द मोर एजुकेटेड यू आर द मोर द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी 15 साल से 29 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको बहुत कम रोजगार मिलता है। तो रोजगार की समस्या आज हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसके चलते हुए जो असंगठित क्षेत्र है वहां पे आमदनी बहुत कम होती है, संगठित क्षेत्र में आमदनी ज्यादा होती है। तो इसी के चलते हुए, क्योंकि ज्यादातर लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, बेरोजगारी है, उसके चलते गरीबी हमारी बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने कभी रिपोर्ट जारी की है ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पे, जो कुछ गांधीयन ग्रुप्स ने, जयप्रकाश नारायण के ग्रुप्स ने कमीशन, ये रिपोर्ट कमीशन की थी। तो उसकी रिपोर्ट हम लोगों ने 11 अक्टूबर को किया, तो हमने दिखाया कि आज देश में 320 मिलियन यानी 32 करोड़ लोगों के पास तो कुछ नौकरी है ढंग की, लेकिन 280 मिलियन यानी 28 करोड़ के पास ढंग की नौकरी नहीं। तो ये चार तरह की बेरोजगारी है। एक तो जो काम ढूंढ रहे हैं और काम नहीं मिल रहा, एक वो है जो काम ढूंढना बंद कर दिया जिन्होंने, और तीसरा वो है जो कृषि में है, जो खेत पे जाते हैं पर लेकिन काम नहीं है, जिसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और चौथा है अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमारी जो रोजगार की जो डेफिनेशन है उसमें है कि अगर आप हमने हफ्ते में 1 घंटे काम कर लिया तो आपके पास रोजगार है, पर आप अगर हफ्ते में 1 घंटा काम करेंगे तो क्या आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, कैन यू सस्टेन योरसेल्फ विद 1 आवर ऑफ वर्क इन अ वीक, इंडीड नॉट। सो दोज आर द अंडर एम्प्लॉयड। सो देयर आर 4 kinds ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट आर देयर इन द इकॉनमी एंड दीज हैव टू बी केटर्ड टू। So we have to create jobs for about 280 million, यानी 28 करोड़ लोगों के लिए काम देना है। और दूसरा हमने दिखाया कि हर साल 24 मिलियन यानी 2.4 करोड़ बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं। तो पहले से ही बैकलॉग है, और ये 2.4 करोड़ जो आते हैं हर साल उनकी वजह से बैकलॉग और बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये जो बढ़ती हुई समस्या है उसकी वजह से हमारे अर्थव्यवस्था में और ज्यादा परेशानी है। तो जो हमारा बजट है, अभी जो बजट पेश किया गया वो सरकार की जो नीति है उसको बड़े अच्छे ढंग से पेश करता है। क्या है बजट में, किस तबके के लिए कितना खर्चा है,
वो दिखाता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर किसी के लिए प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसके आप ज्यादा खर्च करेंगे, किसी की प्रायोरिटी कम है तो उसके लिए आप कम खर्च करेंगे। जैसे कि शिक्षा है, उसमें हमें 6% GDP का खर्च करना चाहिए, लेकिन हमने कभी आज तक 4% से ज्यादा पब्लिक एजुकेशन पे खर्च नहीं किया। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में हमें 3% खर्च करना चाहिए GDP का पब्लिक हेल्थ पे, लेकिन आज तक हमने कभी 1.3% से ज्यादा नहीं खर्च किया। ये दिखाता है कि हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जो ध्यान होना चाहिए वो हमारा ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी बात जो ये बजट दिखाता है कि अगर बजट में डेफिसिट बढ़ रहा है तो आप कंट्रोल करते हैं कि डेफिसिट ना बढ़े, तो उसके लिए आप कटौती करते हैं प्रोविजन में। तो आपने कहां कहां कटौती किया? शिक्षा पे कटौती कर दिया, स्वास्थ्य पे कटौती कर दिया, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पे कटौती कर दिया, आपने रूरल डेवलपमेंट पे कटौती कर दिया। जहां जहां आम आदमी की जरूरतें हैं उन्हीं चीजों में आपने कटौती किया। सो एवरीथिंग दैट इज टू डू विद द कॉमन मैन दैट इज कर्टेल्ड इन द बजट। एंड वेयर हैव यू इंक्रीज्ड इट? यू हैव इंक्रीज्ड इन ऑल दोस आइटम्स व्हिच आर ऑफ कंसर्न टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। वेयर? इन ट्रांसपोर्ट, in IT and power. These are where the corporate sector gets the big contracts. So in spite of the fact that the deficit is rising and you have to cut that deficit by cutting expenditure, you cut the expenditure for all the essential items of the common man, but you raise the expenditure on all the items which are of concern to the corporate sector. So that clearly shows that the government's intention. So what is the intention? As I wrote in my mainstream article recently, there is a twin strategy of the government. A twin strategy kya hai? Ek taraf to corporate sector ko badhawa dijiye aur dusra gareeb aadmi ko gareeb rakhiye. To 80 crore ko gareeb rakhenge aur aap har election ke pehle unko kuch dete rahenge, 5 kilo aapne anaj de diya, gas de diya, to aap kahenge ki dekho we are concerned about the poor. To ek taraf aap concern dikha rahe hain poor ke liye, unko gareeb rakhke, और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर को आप और बेनिफिट देते चले जा रहे हैं। जैसे PLI स्कीम है, PLI स्कीम क्या है? कॉर्पोरेट्स को आप सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी की जो सब्सिडी है उसको फिर आप कहते हैं तो लाभार्थी है, ये हम वेस्ट कर रहे हैं पैसा। तो ये एक बड़ी सोची साजी एक स्ट्रेटजी है जिसमें गरीब को गरीब रखिए और उनको पॉलिटिकली अपने चंगुल में फंसा के रखिए कि आप उनको कुछ ना कुछ हर इलेक्शन पे देते रहेंगे। अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र का बजट पेश हुआ, कर्नाटक में, वहां पे सब यही हो रहा है कि जो गरीब है उसको आप दिखाने के लिए आप कुछ ना कुछ देते रहेंगे और वैसे जो बेनिफिट सारे कॉर्पोरेट सेक्टर को देते रहेंगे। सो दिस इज द ट्विन स्ट्रेटजी दैट इज विजिबल इन द बजट। और जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो बुरी तरह इसकी वजह से ध्वस्त हो रहा है। पहले नोटबंदी से हुआ, डिमोनिटाइजेशन अफेक्टेड, फिर GST की वजह से हुआ। The unorganized sector cannot cope with the GST. So even though unorganized sector has been kept outside the GST, but because of GST, it is not able to get input credit, so its cost of production has risen. So aap dekhiye, chahe FMCG sector hai, chahe textile sector hai, chahe leather goods sector hai, chahe pressure cooker sector hai, sab jagah se report aa rahi hai, organized sector is rising, unorganized sector is declining. Aur iska sabse bada udaharan kya hai? Trade sector. ट्रेड सेक्टर में आपका देखिए ई कॉमर्स 30-40% बढ़ रहा है। ई कॉमर्स इज ऑल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो वो जब बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट है तो किसके उस पर बढ़ रहा है? इट इज राइजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड, द लोकल ट्रेडर। एंड द लोकल ट्रेडर इज लेबर इंटेंसिव, द ई कॉमर्स इज कैपिटल इंटेंसिव। सो ई कॉमर्स इज नॉट जनरेटिंग दैट मेनी जॉब्स। सिमिलरली सरकार कह रही कि हमने बजट में 7.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो कहते हैं बहुत सारी नौकरी बनेंगी। इज दैट ट्रू? नहीं, क्योंकि जो सेक्टर्स हैं, जैसे आपका सड़क बनाना है, आपका रेलवे बनाना है, आपका पावर सेक्टर है, वहां पे बहुत ज्यादा ऑटोमेशन है और उसमें नौकरी नहीं पैदा होती। अगर आप आज से 30 साल पहले की बात सोचें तो जब एक सड़क बनती थी तो उसमें सैकड़ों वर्कर काम करते दिखते थे। आज जहां सड़क बनती है उसमें 10 लोग काम करते दिखते हैं, बड़े बड़े बुलडोजर्स, ट्रैक्टर्स और क्रेन के साथ। तो जो आज का मॉडर्न सेक्टर है कंस्ट्रक्शन में, दैट इज नॉट लेबर इंटेंसिव, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। तो जो सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं वो सारा
कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बना रहे हैं और वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, और जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, रूरल डेवलपमेंट स्कीम, एजुकेशन, हेल्थ, उसको आप काट रहे हैं. Therefore, the net implication is that the job creation in the budget will be negative rather than positive. In spite of government saying कि हमने capital item बढ़ा दिया है तो उसमें से बहुत ज़्यादा वो बढ़ेगा. So the point is कि ये जो सारा जो attack हुआ है असंगठित क्षेत्र पे और संगठित क्षेत्र को मदद मिली, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र घट रहा है, तो इसको मैं कहता हूँ कि असंगठित क्षेत्र को invisibilize कर दिया है, अदृश्य कर दिया पॉलिसी में और डेटा में, और संगठित क्षेत्र के लिए असंगठित क्षेत्र एक कॉलोनी बन गया. सो आई कॉल इट द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बाय द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक्टिंग लाइक अ कॉलोनियल पावर, उनको मार्केट मिलता रहे वहां पे और वो फिर अपना बढ़ते रहे. बट दिस स्ट्रैटेजी इज अ अनसर्टेन स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी इज अ वेरी अनस्टेबल स्ट्रैटेजी. क्योंकि जब असंगठित क्षेत्र में जहां पे 94% लोग काम कर रहे हैं वहीं पे बेरोजगारी बहुत है, वहीं पे आमदनी कम है, तो वहां पे डिमांड कैसे बढ़ेगी. और इसीलिए आपने देखा कि पैंडेमिक के पहले, लॉकडाउन के पहले अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही थी. यानी कि अगर ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से भी हम जाएं तो 2017-18 के क्वार्टर फोर में हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 8% बताई गई और वो 8 क्वार्टर में बराबर गिरती चली गई और पैंडेमिक के पहले वो गिर के 3.1% हो गई थी. तो गिरावट हमारी अर्थव्यवस्था में पहले से ही थी, क्योंकि जो हमारी जो इनइक्वालिटी है, जो अमीर गरीब के बीच की खाई है, वो बढ़ती चली जा रही है. तो लोअर लेवल पे जो डिमांड होनी चाहिए वो डिमांड नहीं बढ़ रही, और जब वो डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इसका असर संगठित क्षेत्र में भी पड़ेगा, उसकी भी अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगी. सो देयरफॉर व्हाट आई बीन आर्ग्यूइंग इज दैट द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी, दिस ट्विन स्ट्रैटेजी ऑफ हेल्पिंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर at the expense of the unorganized sector, that strategy is unstable. That strategy has a problem. The rate of growth cannot rise very much. And therefore, क्या करते हैं? वो attention divert करना. क्योंकि जब बेरोजगारी की समस्या है, आपने देखा youth बहुत परेशान है. Youth की परेशानी इतनी है कि railway की 35,000 नौकरी grade C, grade D की, उसके लिए 1.2 करोड़ लोगों ने apply किया. पीएचडीज और बीटेक और एमटेक वगैरह सब थे. तो ये स्थिति है कि बच्चों को काम नहीं मिल रहा. चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग जॉब्स. द मोर एजुकेटेड यू आर द मोर अनएम्प्लॉयड यू आर. एंड दिस सिचुएशन इज अ वेरी डैमेजिंग सिचुएशन. सो यू नीड टू डाइवर्ट द अटेंशन. एंड व्हेन चिल्ड्रन डोंट गेट अ जॉब द पेरेंट्स आर सेइंग दैट यू आर गुड फॉर नथिंग, वी हैव स्पेंट सो मच मनी. सो द चिल्ड्रन आर फ्रस्ट्रेटेड इनसाइड एंड आउटसाइड द होम. And they have gone in large numbers into drugs and into drinking. And because of this, they don't have income, they don't have capacity to buy drugs and drinking. There's violence in the family because they're snatching money. So what is an economic problem has become a social and a political problem as far as the youth is concerned. So for the youth, this problem of unemployment is acute, and we must take up this problem of the youth in a very big way. Because youth is the future of the country, and youth is something that can actually take the attention of it. So the ruling party now needs to divert attention from all this. So how do you divert attention from all this? You resort to massive propaganda. You use social media, and social media has come in very handy for this purpose. And then you create a divide in society. You create a divide between the majority and the minority, and you make them fight each other. So the real issue therefore does not come up before you. And what has helped all this is that from 1975, when the emergency was declared, the entire political spectrum has been shifting rightward. So those who were extreme left became left, those who were left became left of center, those who were in the center became right of center, those who were right of center became extreme right. So the whole spectrum has shifted. And with that, the entire philosophy. And in this, there's a lot of help from the World Bank and the IMF for shifting this spectrum. You know, I remember there were all kinds of seminars that were being held, where academics and journalists and so on were invited, where the whole agenda was that the market is the solution to all social problems, to all political and economic problems. So how to remove poverty? Go to the market. Whereas we know that market is not a solution for the problem of poverty. But that became the agenda. And that is what was done later on.
So in a sense, when we talk about corporatization, we are actually talking about big business. We're talking not just of small businesses, not just medium businesses, but actually the corporate sector in the sense of the big business. The second aspect of this is the domination today of the international finance capital. It's not just Indian big business, it is the international finance capital that has come to dominate policy making in India, and that we need to understand. So the world has increasingly come in the grip of the international finance capital, and it's moving on the dictates of these. And who are the representatives of international finance capital? It's the IMF, the World Bank, the WTO, and there are 2,500 organizations for global governance. Ye jo 2,500 sansthaen jo global governance mein aati hain, they are pushing an agenda of the international finance capital. Aur international finance capital ka agenda kya hai? Ki aapki jo national sovereignty hai, usko hum truncate karenge apne interest ke liye. तो जो आपकी पॉलिसी, जो आपके गरीब के लिए पॉलिसी है, वो सही नहीं है. आपको वर्क करना है इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के इंटरेस्ट में. तो अगर आप देखें तो हर जगह गवर्नमेंट्स हैव बीन इन स्ट्रेटेजिक रिट्रीट. दे हैव बीन रिट्रीटिंग इन फेवर ऑफ कैपिटल एंड अवे फ्रॉम वर्कर्स. तो ये जो मूव है इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का, उसमें दे आर गेटिंग कंसेशंस फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट्स एंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स. वो कहते हैं अगर हमको आंध्र प्रदेश में एक कंसेशन मिलेगा तो हम वहां जाएंगे, तो गुजरात भी वही कंसेशन देगा और वेस्ट बंगाल भी वही कंसेशन देगा. सो रिसोर्सेज आर स्लिपिंग आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स टू द हैंड्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स एंड ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल. तो ये जो एक बड़ा मूव है कि जो कर्टेलिंग द नेशनल सॉवरेनिटी बाय मेकिंग पॉलिसीज दैट आर इन फेवर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल, that is a big thing that we need to understand. And yahan pe one of the things that the capital demands is curtail the rights of labor. So labor's rights are curtailed. So that's why it is said that when the international finance capital says the state has to retreat, the state has to only strategically retreat, not completely retreat. So therefore the policy is market friendly state intervention. So all those forms of state intervention which promote the market are good, but all those that favor labor are not good, and those are the policies that must be withdrawn. So subsidy to workers, fixing minimum wage, those are all anti-market. And giving concessions to corporates, giving concessions to businesses, those are market-friendly state intervention. So state has to retreat in a strategic sense, not completely from the economy. It must promote the interest of the corporate sector. So, जैसे कि अभी आपने देखा कि IT sector में you cannot have a trade union. So that is a big concession, you know, if you want to attract. उसी तरह अगर South Korea में capital gains tax नहीं है तो बोलेंगे India में भी capital gains tax नहीं होना चाहिए. अगर वहाँ पे tax rate 15% तो India में भी होना चाहिए. और इसीलिए 2019 में we reduced the corporate tax rate to 15% to be competitive with Southeast Asia. Which meant a concession of 1.6 lakh crores to the corporate sector. So corporate sector profit rose by 1.6 lakh crores, which meant that the deficit in the budget went up. When the deficit in the budget went up, you cut education and health and other expenditures. So this is the kind of strategy that is there. इसमें आपने देखा कि अभी gig workers बहुत आ रहे हैं, जैसे कि taxis चलाते हैं, वो जो delivery agents वगैरह हैं, उनका exploitation जबरदस्त हो रहा है. वहाँ पे पहले आपने ऑफर किया और फिर अब उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है. तो वहां पे काम पैदा हो रहा है बट हाईली एक्सप्लॉयटेटेड. और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस काट दीजिए, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस पर डिपेंड करिए. तो डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं. तो यानी कि योर टैक्सेशन मस्ट शिफ्ट इन फेवर ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेस विच अफेक्ट द कॉमन पर्सन एंड अवे फ्रॉम प्रोग्रेसिव टैक्सेस लाइक डायरेक्ट टैक्सेस लाइक कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स. वेल्थ टैक्स तो खत्म ही कर दिया है, जबकि वेल्थ टैक्स इज द बेस्ट वे ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज. तो हमारे देश में वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया, स्टेट ड्यूटी खत्म कर दिया, गिफ्ट टैक्स खत्म कर दिया, और ये सारा पैकेट इससे बहुत पैसा आ सकता था. क्योंकि अगर आप देखें तो अभी क्रेडिट स्विस की और जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स आई, उन्होंने बताया कि 1% लोगों के पास 40% से ज़्यादा संपत्ति है, और अगर उन पर काले धन की अर्थव्यवस्था को जोड़ लिया जाए तो उनके पास 60% संपत्ति है देश की. और अगर आप उन पे 1% भी टैक्स लगा दें
तो आपको 6-7 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त टैक्स मिल सकता है जिससे आप शिक्षा स्वास्थ्य और उन सब पे कर सकते हैं। तो वेल्थ टैक्स बहुत ही जरूरी है हमें लगाना, लेकिन वेल्थ टैक्स धीरे धीरे हमारे देश में खत्म कर दिया गया है। और इसके पीछे जो वजह है, जो सारे दुनिया में स्पेक्ट्रम शिफ्ट हुआ, वो मेरा मानना है कि सोवियत ब्लॉक का डिसअपीयरेंस एक बहुत बड़ी वजह है। सोवियत ब्लॉक के प्रेजेंस से 1990 के पहले एक ऑल्टरनेटिव मिलता था, दूसरी दुनिया के देशों को एक ऑल्टरनेटिव मिलता था, वो ऑल्टरनेटिव खत्म हो गया। तो मुझे याद है कि शुक्ला जी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे गैट में, वो बताते हैं कि 1982 के बाद अमेरिकन जो एम्बेसडर था गैट में, उसने कहना शुरू किया कि अब आपको सोवियत यूनियन नहीं बचा सकता, अब हम आपका एग्रीकल्चर का मार्केट कैप्चर करेंगे, हमारे पास एग्रीकल्चर का सरप्लस है, वी नीड योर मार्केट एंड वील कैप्चर योर मार्केट। और इसीलिए आपने देखा 87 में उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन में जितने भी नए इश्यूज हैं WTO में सब आ गए, वो चाहे ट्रेड इन सर्विसेज हो, ट्रेड इन एग्रीकल्चर हो, वो चाहे ट्रिप्स हो, ट्रिम्स हो, ये सारे के सारे इश्यूज, नए इश्यूज इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि अब वेस्ट को लगा कि अब जो तीसरी दुनिया के देश हैं उनके सामने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और अब हम उनके जो मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, और उनको मार्केट कैप्चर इसलिए करना था जिससे कि उनके और तेजी से ज़्यादा प्रगति हो। तो ये जो बात सामने आती है कि ऑल्टरनेटिव नहीं होने की वजह से तीसरी दुनिया के जो देश थे वो और कमजोर पड़े, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका जो और आगे बढ़ा। इसके साथ साथ जैसे ही आपने देखा सोवियत ब्लॉक का कोलैप्स हुआ 1991 में, तो जो ईस्ट यूरोप के देश थे, ईस्ट यूरोप के देश में बहुत ज़्यादा परेशानी आई, और वो परेशानी क्या थी कि उनकी जो इंडस्ट्री थी, जो उनका स्ट्रक्चर था, वो कोलैप्स कर गया, उनको कैपिटल की ज़रूरत थी। तो कैपिटल की ज़रूरत को उन्होंने पूरा करने के लिए क्या किया, अपने टैक्स रेट काटे, दिस इज कॉल्ड द रेस टू द बॉटम। उन्होंने जब अपने इनकम टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट काटे, तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, उनको भी काटना पड़ा, इंडिया को भी काटना पड़ा 1991 में, क्योंकि फिर कैपिटल वहां जाने लगा। तो आयरलैंड जैसा देश जो एक बहुत गरीब देश था, वो एकदम से बहुत प्रॉस्परस हो गया, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहां पर अपना कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर लगाना शुरू कर दिया। तो ये जो गेम है जिसको मैं कहता हूँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर इंटरनेशनल कैपिटल के हक में काम करता है, और उसी तरह की वो पॉलिसीज वगैरह बनाता है। तो जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह में भी पब्लिक गुड्स के लिए कैपिटल की शॉर्टेज हो गई, पैसे की शॉर्टेज हुई, वहाँ पे उन्होंने कटौती की, अपना जो उनका एजुकेशन है, हेल्थ है, जो बाकी चीज़ें हैं, पब्लिक एजुकेशन वगैरह जो फ्री होती थी ब्रिटेन में, वो फिर महंगी हो गई, प्राइवेटाइज हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो वर्कर्स की लिविंग कंडीशन है वो 1991 के बाद कमज़ोर होती चली गई, वो लिविंग कंडीशन भी कमज़ोर हुई, जो उन्होंने राइट्स जीते थे, जो पॉलिटिकल राइट्स उन्होंने जीते थे पॉलिटिकल स्ट्रगल से, वो भी कमज़ोर हो गए, और ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी बड़े लेवल पर डिक्लाइन की। तो इसको हम कहते हैं बेप्स, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, यानी कि जो बेस होता है टैक्सेशन का, उसको आपने शिफ्ट कर दिया उन देशों में जहाँ पे कि टैक्स हेवन थे, जहाँ टैक्स रेट कम था, जहाँ पे सीक्रेसी थी। तो बेप्स के चलते हुए बहुत सारे देशों को टैक्स में कटौती करनी पड़ी, और वहाँ पे टैक्स कलेक्शन कम हुआ, उससे पब्लिक सर्विसेज वगैरह में ज़्यादा परेशानी आई। इस सब के चलते हुए इनइक्वालिटी, जो गैर बराबरी है समाज में, इनइक्वालिटी इज़ अ रीज़न। क्रुगमैन का एक आर्टिकल है 2005 का, उसने दिखाया कि अमेरिका में जो 2001 में इनइक्वालिटीज थी वो सन 1920 से भी ज़्यादा की इनइक्वालिटी हो गई थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इनइक्वालिटी थी उससे ज़्यादा इनइक्वालिटी 2001 में जो सेंसस का डेटा आया उसमें दिख रही है। और वजह यह है कि कैपिटल हावी हो गया, इंटरनेशनल कैपिटल हावी हो गया, और जो अमीर हैं उन्होंने क्या कहना शुरू किया। तो जॉर्ज सोरोस और वॉरेन बुफे और बाकी और भी जो अमीर लोग हैं अमेरिका के, उनको समझ में आया कि 2007-08 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद कि अगर अमीर ज़्यादा टैक्स नहीं पे करेगा तो कैपिटलिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। तो उन्होंने कॉल दिया 2012 में कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, और ये जो कॉल उन्होंने दिया इसको सपोर्ट किया अमेरिका के रिच ने, इटली के रिच ने, फ्रांस के रिच ने, जर्मनी के रिच ने, कि हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा नहीं तो कैपिटलिज्म सर्वाइव नहीं करेगा, जो 2007-08 का वो है। तो ये दिखाता है कि कैपिटलिज्म के सामने भी कई बार क्राइसिस आए हैं, और ये क्राइसिस अगर आप देखें तो 1960s में वियतनाम वॉर थी, तो वियतनाम वॉर के चलते हुए मैकनमारा साहब जब वो बने वर्ल्ड बैंक के जो चीफ, तो उन्होंने कहा पॉवर्टी रिमूवल जरूरी है नहीं तो कम्युनिज्म फैल जाएगा सारी दुनिया में,
और वो इंडिया तक आ जाएगा। डोमिनो थ्योरी उन्होंने दिया कि पहले वियतनाम गिरेगा, फिर लाओस गिरेगा, कंबोडिया गिरेगा, फिर वो बर्मा गिरेगा और फिर इंडिया भी कम्युनिस्ट हो जाएगा। तो पॉवर्टी रिमूवल बिकेम अ प्लैंक ऑफ द वर्ल्ड बैंक इन द 60s। अब जब वियतनाम वॉर खत्म हुई तो उन्होंने अपना प्लैंक बदल दिया कि नहीं, नाउ वी हैव टू गो फॉर अ फ्री मार्केट मॉडल, ब्राजीलियन मॉडल। वो ब्राजीलियन मॉडल के चलते हुए जब 1980 में जब बैंकों का कोलैप्स हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी ठीक नहीं, अब साउथ ईस्ट एशिया का मॉडल है। साउथ ईस्ट एशिया का मॉडल क्या है? मार्केट फ्रेंडली स्टेट इंटरवेंशन, मतलब स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए लेकिन मार्केट फ्रेंडली होना चाहिए। तो वो मॉडल हो गया। फिर 1996-97 में जब कॉन्टेजियन आया साउथ ईस्ट एशिया में तो उन्होंने फिर लाइन बदल दी कि मार्केट्स आर ऑल राइट, और इसी के चलते स्टॉक मार्केट में राइज हुआ। तो एरन ग्रीनस्पैन जो वहाँ पे उनके जो चीफ थे, जो फेडरल रिजर्व बैंक के जो उनका सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा RBI है उनका फेडरल बैंक है, तो उन्होंने कहना शुरू किया, नहीं नहीं, मार्केट्स आर सेल्फ करेक्टिंग, मार्केट तो सब कुछ ठीक ही करता है, तो मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए। जब कोलैप्स हुआ 2007-08 में, फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ, तब जब उन्होंने सेनेट हियरिंग में पूछा उनसे तो उन्होंने कहा आई वॉज रॉन्ग, मार्केट्स आर नॉट सेल्फ करेक्टिंग, नीड फॉर स्टेट इज वेरी मच देयर। तो फिर लाइन फिर बदली। तो आप देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल जो जो परेशानी आती है उससे वो जूझता है और वो लाइन अपनी बदलता चला जाता है, बराबर बदलता चला जाता है। और इसके साथ आप देखें तो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल को ये समझ आ गया है कि कैपिटलिज्म में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मुश्किल आई थी, और इसीलिए 1980s में वर्ल्ड बैंक ने कहना शुरू किया कि वी नीड सेफ्टी नेट, क्योंकि जो हमारी नीतियाँ उससे गरीब गरीब होगा तो नीचे जाएगा, तो सोशल एक्सप्लोजन होगा, तो एक सेफ्टी नेट से उनको और गरीबी के नीचे नहीं जाने देना। तो सेफ्टी नेट की नीति 1980s से है, और हमने इंडिया में वो सन 2000 के दशक में किया जब राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू फूड, ये सारे राइट्स हमें लिए। पर मेरा मानना है कि ये बुनियादी समस्या का हल नहीं है। आप दे सकते हैं सब पैलिएटिव, आप कितने 80 करोड़ लोगों को सब ये नहीं दे पाएंगे, आप ज़्यादा से 5-10 करोड़ लोगों को दे पाएंगे। तो समस्या का हल ये नहीं है, समस्या का हल तो तभी है जब हम रोजगार पैदा करेंगे, जब हम लोगों के हाथ में आमदनी देंगे तभी उसका समाधान निकलेगा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत जरूरी है। लेकिन हुआ क्या है, सरकार को अभी भी वो समझ नहीं है, और आप देखें तो जॉब क्रिएशन और ज़्यादा परेशानी में आ गया, और इसी ने ट्रंप साहब ने कहना शुरू किया कि हम तो चाइना से और इंडिया से जॉब वापस अमरीका में लाएंगे, मेक्सिको से वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री वहां चली गई है इसलिए हमारे यहाँ बेरोजगारी। तो उसके चलते हुए नीति और बदल गई। सो नाउ दे से यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सो व्हाट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम? हर एक के हाथ में पैसा दिए। बट इज दिस द सॉल्यूशन? दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज काम के साथ डिग्निटी आती है, मुफ्त में पैसा देने से डिग्निटी नहीं आती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा खर्च करिए, नौकरी जनरेट करिए, लोगों के हाथ में काम दीजिए। सिर्फ आप ऐसे ही पैसा दे देंगे तो उससे डिग्निटी नहीं आएगी, और अगर डिग्निटी नहीं होगी तो वर्कर फिर जो है एलिनेटेड रहेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज एक्चुअली सजेस्टिंग दैट कैपिटलिज्म इज इन अ क्राइसिस। क्योंकि कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल क्या है? कैपिटलिज्म का प्रिंसिपल है दैट यू पे फॉर द वर्क डन। आपने जो काम किया है उसके एवज में आपको पैसा मिलता है। यू डोंट गिव मनी फॉर नथिंग, मतलब मुफ्त में पैसा नहीं दिया जाता कैपिटलिज्म में। तो ये जो अब यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो अब बात चल रही है, दैट इज अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल, दैट शोज द क्राइसिस दैट इज देयर इन कैपिटलिज्म। तो हमारे देश में जो ये सारा जो अगर मैं उसको देखूं तो पिछली सदी में दो पैराडाइम शिफ्ट हुए, यानी फिलोसॉफिकली हमारी पॉलिसी दो बार मेजर फॉर्म में बदली गई, एक सन 47 में और एक सन 91 में। द फर्स्ट वन वॉज अ कलेक्टिविस्ट आइडिया that we have to collectively take care of the problems of the poor. Second one is an individualistic, because here now the individual is to blame for their problem. So if they have to solve their problem, they have to go to the market. So that's why I call them post 1991 policies as policy of marketization. Yani bazarikaran ki neetiyan, yani ki agar aapko shiksha chahiye to bazar mein jaiye, swasth chahiye to bazar mein jaiye, employment chahiye to bazar mein jaiye. So everything has to be catered to by the market in a very individualistic manner. So that's why I call these new policies, the new economic policies, the policies based on individualization. So 1947 mein, jab azadi ki ladai mein hum lade, to ye samajh mein aaya ki garibi jo hai, wo system se aati hai. Shiksha ka abhav hai, wo system se aata hai.
जो हेल्थ का अभाव है वो सिस्टम की वजह से है. तो इंडिविजुअल कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दैट्स व्हाई स्टेट वाज गिवन अ लार्ज रोल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ पॉवर्टी ऑफ इलिटरेसी ऑफ इल हेल्थ एटसेट्रा. द पुअर कैन नॉट सेट अप देयर ओन स्कूल्स, पुअर कैन नॉट सेट अप देयर ओन डिस्पेंसरीज एंड सो ऑन. बट 91 में आके ये हुआ कि नाउ एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय द इंडिविजुअल इन द मार्केट. द कलेक्टिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल. There is a 1947 it was that the individual is not responsible for his or her problems. So ये जब philosophical change हुआ, इसको मैं कहता हूँ ये बाजारीकरण जो हुआ 1991 के बाद, उसने हमारी thinking बदल दी. It has affected our basic thinking in society. And therefore, in the new philosophy, now forget equality, even equity is no more a perception. तो equality की बात तो पहले ही खत्म हो गई, अब equity भी बात खत्म हो गई. सो वी आर नॉट मूविंग फॉर इक्विटी. तो इसलिए ये कहा जाता है कि ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, कि इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, अब फिर हम बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो यानी कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है. तो इंडिया जैसे गरीब देश में नंबर ऑफ बिलियनर्स इज द थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स. क्यों? क्योंकि हमने अमीरों के हाथ में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए, उनके हाथ में बहुत ज्यादा इनकम दे दी और गरीबों के पास दे दी. तो जो खाई है अमीर और गरीब की वो बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है. तो जो ये बाजारीकरण है उसका एक प्रिंसिपल है जो सैमसन साहब जो इकोनॉमिक्स के बड़े प्रोफेसर थे, पहले नोबेल प्राइज विनर रहे इकोनॉमिक्स के, उनकी जो बुनियादी किताब है उसमें वो कहते हैं कि द इकोनॉमी वर्क्स ऑन डॉलर वोट. यानी कि आपके पास एक डॉलर है तो एक वोट है, मेरे पास एक लाख डॉलर है तो एक लाख वोट है. यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको खाना पीना नहीं मिलेगा, तो भूखे जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है. मेरे पास एक लाख डॉलर है, मैं मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहता हूँ तो वो भी ठीक है. तो यानी कि एक अमेरिकन बराबर 30 इंडियंस के, क्योंकि उनकी इनकम 30 गुना ज्यादा है, तो वो डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड मार्केट. और हमारे यहाँ जो अमीर प्रांत हैं वो डोमिनेट करते हैं गरीब प्रांतों के ऊपर. यानी कि जो डॉलर वोट है इट इज नॉट ऑन द बेस ऑफ वन पर्सन वन वोट बट वन डॉलर वन वोट. एंड देयरफॉर इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. It marginalizes the marginal. The more marginal you are in the market, the more marginal you get. Because market works on the purchasing power, and the purchasing power is always the rich. The second principle आता है इसमें marketization का, वो आता है more is better. जितनी आप खपत ज़्यादा करेंगे उतनी आपका welfare होगा. आपके पास एक shirt है तो दूसरी shirt, एक car है तो दूसरी car, एक घर है तो दूसरा घर. तो यानी कि आपका जो welfare है वो बढ़ता जाएगा जितना आप खपत ज़्यादा करेंगे. So this is the underlying basis of consumerism. तो consumption तो हरदम से था, लेकिन consumerism is new. Consumerism means consumption for the sake of consumption. यानी कि आपका कपड़ा 10 साल चल सकता है लेकिन आप एक साथ बात बोलेंगे आप बोर हो गए अब इसको फेंक देते हैं. तो that is consumerism. कार है वो 50 साल चल सकती है लेकिन 5 साल में मॉडल ईयर बदल जाता है तो अब नई कार हम देते हैं. तो वो consumerism is now the underlying feature and that's why today sacrifice is no more a virtue. And secondly, it leads to climate change. It leads to environmental degradation, which is again impacting the poor people. So ye jo underlying basis hai in dono ka wo hai, man is a rational individual maximizing the welfare. Yani ki aap profit maximizing individual. To iske chalte hue you have become atomized. Aapko apne welfare ke liye khud karna hai. Collectively uske liye kuch nahi karna. So collectivity has gone out. Atomization and individualization have increased. And along with this, we have all become short-termists. We are thinking in the short term, abhi ke liye, long term mein kya hoga, uski taraf dhyan humara hatta chala hai. So, ye jo philosophical shift hai, isme politics aur sociology bilkul nahi hai, kyunki ab aadmi is homo economicus. Homo economicus matlab sirf economics matters. Politics doesn't matter, society doesn't matter, sociology doesn't matter. So only think of your economic gain, not of the politics, not of the society. So इसके चलते हुए equality का जो idea है वो तो एक social idea है, political idea है, तो उसकी ज़रूरत नहीं. So therefore now we are all in the frame of marketization, in the frame of rising inequality, and it is told to us that don't worry about it. बाद में चल के तो जब हम वो distribution करेंगे, अभी तो let businesses grow. So it's a completely pro-business, pro-corporate sector, pro-international finance capital. इसी के चलते हुए जो natural resources हैं, बाजारीकरण उसका भी होना,
यानी कि जो हवा है, पानी है, कोस्टल रीजन्स हैं, रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको बाजार के दायरे में ले आइए. तो दोस थिंग्स दैट आर नॉट अंडर द मार्केट, दे हैव नाउ गॉट मार्केटाइज्ड. एंड देयरफॉर इन अ सिस्टम लाइक आवर्स, क्रोनी कैपिटलिज्म हैज ग्रोन, कॉर्पोरेट सेक्टर हैज गेन्ड लार्जर एंड लार्जर कंट्रोल ओवर दीज रिसोर्सेज एट टू द डिसबेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल. तो ये जो क्रोनीज्म है वो इसलिए है कि आप सस्ते में वो रिसोर्सेज मिल जाए आपको. तो जैसे नियमगिरी की बात चल रही थी अभी, उड़ीसा में नियमगिरी के उसमें बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, वहाँ पे लोगों ने अपना जंगल देने से मना किया, पहाड़ देने से मना किया. लेकिन जगह जगह आप देखें खदानें हैं, नदियाँ हैं, जंगल हैं, वो प्राइवेट हैंड्स में दिए जा रहे हैं. और उसको जो प्राइवेटाइजेशन है उसके चलते क्रोनीज्म बढ़ रहा है. तो क्रोनीज्म का मतलब है कि आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं क्योंकि आपका लिंक है सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ. तो जिसका जितना लिंक है उसको उतना ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाएगा, वो चाहे वेदांता हो, वो चाहे अडानी हो, वो चाहे अंबानी हो, वो रिसोर्सेज वो उनको मिलते जाएंगे. अब सवाल उठता है कि ये जो सारी नीति है इसमें ये मान लिया गया कि बाजार ही सबसे एक है, लेकिन इकोनॉमिक्स बताता है कि बाजार एफिशिएंट नहीं है. बाजार आइडियल सिचुएशन में एफिशिएंट है, लेकिन आज की जो सिचुएशन है उसमें वो एफिशिएंट नहीं है. इसको बोलते हैं मार्केट फेलियर, कि बाजार फेल करता है. पर ये जो बाजार फेल करता है तो उसमें क्या करना चाहिए, सरकार को एंटर करना चाहिए बाजार में, लेकिन उसको आज जो थ्योरी में लिया नहीं जाता. और इसीलिए जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो बहुत तेजी से देश में बढ़ा है. अडानी का तो केस सामने है, लेकिन और भी बहुत सारे कैपिटलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारे एसेट्स वगैरह एक्वायर किए हैं. तो अडानी का केस जो है ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल है, मतलब इतनी तेजी से रिसोर्सेज किसी और को नहीं थमाए गए जितनी तेजी से अडानी का किया गया. लेकिन अडानी का फॉल जो अभी हुआ है वो दिखा रहा है कि परेशानी जो है इस मॉडल में, जो ट्विन मॉडल है कि एक तरफ चाय बॉल्स क्रिएट करिए, एक तरफ गरीबी को गरीब रखिए, ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, ये मॉडल की क्राइसिस है. और जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया है वो भी दिखा रहा है कि कैपिटलिज्म के पास अब समाधान नहीं रहा, क्योंकि वो ऐसी नीति अपना रहे हैं जो एक्चुअली कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहे हैं. तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको समझने के लिए हमें एक चीज़ और का ध्यान रखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पिछले 50 साल में. टेक्नोलॉजी के चलते हुए ऑटोमेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और आगे आने वाले समय में ऑटोमेशन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़, जो आपके एल्गोरिदम्स का यूज़, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. तो और बहुत सारी नौकरी इससे डिस्प्लेस होंगी, यानी यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे डॉक्टर का काम, इंजीनियर का काम, ये भी आप कंप्यूटर से कर सकते हैं. टीचिंग का काम जो चैट जीपीटी अभी आया है, वो पढ़ाने का काम टीचर को भी डिस्प्लेस कर सकता है. तो ये जो थ्रेट है टेक्नोलॉजी से बहुत ज़बरदस्त थ्रेट है. हमको इस पर कैंपेन करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को जब हम इंट्रोड्यूस करें तो सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में इंट्रोड्यूस करें. It should not be an indiscriminate introduction of technology. So we cannot stop technology, but technology must be introduced in society in a socially responsible way. What we are doing is we are indiscriminately allowing technology to come, and that's creating massive unemployment, not just in India, but all over globally. The problem of unemployment is now a global problem. So to conclude, complexity in society is both due to marketization and technology. And this must be taken into account in our framework, that how to introduce technology, how to counter the marketization process that is going on, those must be a part of our agenda. Alternative हमारे पास होना चाहिए. अगर हमारे पास alternative नहीं होगा तो यही चीज़ चलती रहेगी. तो हमारा alternative क्या है उसको frame करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. उस alternative के बिना हम campaign नहीं कर पाएंगे, हमारा एक बड़ा व्यापक campaign नहीं हो सकता. और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जिसकी वजह से आज कितने टैक्स हेवन है जिनके जरिए कैपिटल बाहर चला जाता है और राउंड ट्रिपिंग होकर इंडिया वापस आ जाता है, जो अडानी से केस में दिख रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है वो हमारी जो नेशनल पॉलिसीज को ट्रंकेट कर देता है, उससे कैसे हम जूझेंगे उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है. और जो लोग हैं दे मस्ट रीकैप्चर द पॉलिसी स्पेस. पॉलिसी स्पेस उनके हाथ से निकल गया है. It is in the hands of international finance capital and of big business. So, उसके लिए सारे workers, farmers और workers में organized, unorganized, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा.
अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को छोड़ देते हैं तो 94% है वर्कफोर्स, तो कभी यूनिटी नहीं आ सकती। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एक टास्क है, एक बीड़ा है उनके सामने कि दे शुड मोबिलाइज द अनऑर्गेनाइज, दे शुड मोबिलाइज द फार्मर्स। इट्स नॉट ईजी बट इट हैज टू बी डन। इफ एनी चेंज हैज टू बी ब्रॉट अबाउट देन दिस हैज टू बी डन। और उसके लिए सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट जरूरी होते हैं, बिकॉज सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट्स अबाउट चेंज कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस तभी बदलेगा जब बड़े सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट्स हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, इफ दे एक्चुअली बिगिन टू गेट टुगेदर, देन ओनली सच अ बिग टास्क कैन बी देयर। बट द ओनली थिंग आई से इज बिकॉज ऑफ द क्राइसिस इन कैपिटलिज्म देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन गेट यू नो यूनिटी अमंगस्ट पीपल, especially targeting the youth, so that if the youth comes more and more with the alternative, then perhaps the struggle would be much stronger. Thank you very much.